सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता रानी हैं जिन्होंने 53 कर्तव्यों को पूरा किया है और अब उनको देश की राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगी। सम्मान में इनको क्या मिलेगा अभी इस बारे में किसी को कोई जानकारियां नहीं है। अभी इस आर्टिकल पर हम दोबारा आएंगे और आपको जानकारी देंगे कि उनके किन कामों की वजह से उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्या ऐसे ही काम या इससे बेहतर काम आंगनबाड़ी बहनें भी करती हैं? तो आज तक आंगनबाड़ी बहनों को राष्ट्रपति जी के द्वारा कभी क्यों सम्मानित नहीं किया गया, इसके पीछे की भी सच्चाइयों को जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हरियाणा से प्रेम लता बहन आती हैं जिन्होंने दैनिक भास्कर में आज 13 अगस्त को रोहतक जो जिला पड़ता है हरियाणा का, जहां पर भास्कर में एक खबर प्रकाशित है कि आंगनबाड़ी कर्मिकों ने रैली निकाल करके मानदेय की मांग की है। रोहतक जनपद का आंगनबाड़ी बहनों का ये प्रदर्शन, जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने आर्टिकल में अपने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका यूनियन की AIUTUC के तत्वावधान में मानसरोवर पार्क में आंगनबाड़ी बहनों ने रैली निकाली। प्रदेश भर के कर्मिकों ने इस रैली में शामिल होकर के मानदेय देने की मांग उठाई। रैली का नेतृत्व यूनियन के राज्य प्रधान कृष्णा मंडाना और महासचिव पुष्पा दलाल जिन्होंने किया। DC को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई कि 975 आंगनबाड़ी कर्मिकों को बकाया मानदेय दिया जाए, जिन्हें पहले टर्मिनेट कर दिया गया था और बाद में बहाल किया गया। ज्ञापन में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, महंगाई भत्ता, खाली पदों की भर्ती, नियमित मानदेय वितरण और अन्य सुविधाओं की भी मांग की गई। तो ये यहाँ पर चीजें आप देख रहे हैं कि हरियाणा की बहनें, जब उन्होंने प्रदर्शन किया था तो 975 बहनों को सेवा से हटा दिया गया था, सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। बाद में बहनों ने दोबारा से अपना शासन स्तर पर जो भी प्रदर्शन रहे या जिस भी तरह से मुलाकातें हो पाई, तो उन्होंने बहनों की सेवाओं को तो बहाल करा लिया, लेकिन उसी बीच बहनों का मानदेय बाधित रहा। तो उसी मानदेय को दोबारा बहनें अपना मांग रही हैं। जो मानदेय उनका काटा गया था, वो मानदेय बहनों का भुगतान हो, इसको लेकर के भी वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करुणा बहन है, इंदौर से आती है, जिन्होंने आशा से रिलेटेड एक जानकारी भेजी है कि आशा कार्यकर्ता रानी ने सभी 53 कर्तव्य पूरे किए और अब उनको राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। जाहिदा खान जी का ये आर्टिकल है, देवास जनपद में ये प्रकाशित है और शहर में करीब 13 किलोमीटर दूर 1065 की आबादी वाले ग्राम नायता बापच्चा की आशा कार्यकर्ता रानी मंडल, जिन्होंने शासन द्वारा दिए गए 100% 53 प्रकार के काम पूरे किए। साथ ही वर्ष 2006 से अब तक 18 साल में गांव में एक भी माँ और शिशु की मृत्यु नहीं होने पर उनका चयन भोपाल से राष्ट्रपति सम्मान के लिए किया गया है। तो वजह यह रही कि उन्होंने काम भी किए 53 प्रकार के, अब जो भी हो उनमें, बाकी कोई भी शिशु या कोई भी माँ का डेथ नहीं हुआ है 18 पिछले सालों में। अब इसी वजह से उनको ये सम्मान मिला। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अगस्त को दिल्ली में सम्मानित करेंगी। देवास जिले में से एकमात्र आशा कार्यकर्ती का पहली बार चयन हुआ है। झोपड़ी नुमा मकान में रहने वाली ये रानी हैं, पति इनके देवीलाल मंडला हैं, इन्हीं के साथ 13 अगस्त को वो रवाना होंगी। लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में रानी को कौन सा सम्मान मिलेगा अभी इसका खुलासा नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमारे पास भोपाल से रानी का नाम आया था, अब सम्मान में क्या मिलेगा इसकी जानकारी नहीं है। अब देखिये, ये चयन होते हैं, अच्छी बात है, चयन कौन करता है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। क्या सम्मान पुरस्कार में मिलेगा इसकी भी जानकारी नहीं है कि 15 अगस्त को इनको सम्मानित तो किया जाएगा लेकिन वहां मिलेगा क्या। अभी सम्मान को लेकर के ही 15 अगस्त की दिल्ली कार्यक्रम से ही रिलेटेड मैंने एक लेटर किसी स्टेट का देखा था, जिनमें भारी तादाद में लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है, सम्मान स्वरूप उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे में सम्मान स्वरूप वहां पर कुछ बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीदें नहीं है कि कोई आपको वो मिल जाए, जैसे किसी को पद्मश्री मिल जाए, किसी को कोई मेडल मिल जाए या कुछ और मिल जाए, कुछ ऐसा वैसा नहीं मिलेगा। ये एक कार्यक्रम टाइप से सम्मानित करने के लिए रहेगा, जैसे जनरली विभाग में सम्मान स्वरूप बहनों को बुलाया जाता है भारी तादाद में और उनको कभी प्रशस्ति पत्र कभी कुछ दे करके सम्मानित कर दिया जाता उनके अच्छे कार्य को लेकर। ये कोई वैसा सम्मान नहीं है कि कोई जो है देश हित में या कोई बहुत बड़ा कोई मेडल टाइप से मिल जाए,
ठीक, तो वो चीजें यहां पर नहीं है, ध्यान रखना। बाकी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आशा कार्यकर्ता का चयन हुआ और गरीब आशा कार्यकर्ता है, इनको वो जो है अवसर मिला दिल्ली जाने का, कार्यक्रम में शामिल होने का, जिसकी बहुत खुशी है। और साथ ही बताया गया कि प्रसूताओं को बस से स्वास्थ्य केंद्र ये लाई। रानी ने बताया कि गांव में एक महीने में 2 से 3 डिलीवरी होती हैं, 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, तब प्रसूताओं को बस में बैठाकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाती थी। इसके अलावा घर घर टीकाकरण किया, पल्स पोलियो की दवा पिलाई, आयरन की गोली, टीबी मरीज की पूरी दवाइयाँ, परिवार कल्याण के कार्य सहित 53 काम उन्होंने किए। अब जाहिर सी बात है, कई कार्यकर्ता भी कहेंगी कि इसमें इतना बड़ा क्या हो गया, इनसे लगभग कई गुना ज्यादा तो आंगनबाड़ी भी कार्य करती है, और इन्होंने जितने भी कार्य गिनाए हैं इन सभी कार्यों को भी आंगनबाड़ी करती और इनके साथ में मिलकर भी करती, चाहे वो घर घर टीकाकरण की बात कर लो, पल्स पोलियो की बात कर लो, आयरन गोली खिलाने की, टीबी मरीज की, या और तमाम 200 कार्य आप जोड़ लो शासन के जो स्वास्थ्य विभाग के काम है लेकिन कराए कार्यकर्ताओं से जाते हैं। तो ऐसे में उनका भी ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनको अगर सम्मानित किया गया तो सभी को खुशी होनी चाहिए। हर बच्चे का नाम और जो है परेशानी तक इनको पता है, ये भी अच्छी बात है। कई कार्यकर्ताएं भी होंगी जो भी ये दावा करेंगी कि मुझे भी पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपका भी कहना ये लाजमी है, क्योंकि बहुत सी कार्यकर्ता हैं जिनको अपने सभी लाभार्थियों के नाम पता है और वाकई में पता होंगे, जिनके सेंटर सही से संचालित हो रहे हैं, बच्चे डेली आ रहे हैं, अटेंडेंस लगाई जा रही है, तो बच्चे के नाम तो जाहिर सी बात है पता होंगी। बच्चे के तो छोड़ो, उनके माँ बाप के भी नाम कार्यकर्ताओं की जमान पर रटे होंगे और किसको क्या समस्या है ये भी पता हो जाएगी जो बच्चे आ रहे हैं। अच्छी बात है, इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए और जिम्मेदारियों को अगर ऐसे ही अच्छे तरीके से ये जो है उन्होंने निभाया, इसीलिए उनके वहां पर 18 सालों में पिछले न माँ की न शिशु की किसी की भी डेथ नहीं हुई है। अब ये कुछ चीजें देखने को मिली है। सरोजनी जेम्स बेक हैं जो कि CHO देवास की, उनका कहना है आशा कार्यकर्ता रानी कार्य क्षेत्र के पूरे काम कर रही हैं, इसीलिए उनका चयन भोपाल से हुआ। उन्हें किस तरह का सम्मान मिलेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। प्रदेश से 2 आशा कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है, यानी आप देखिएगा यहाँ पर बात की जाए तो उनके वहां पर केवल 2 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है मध्य प्रदेश में। एक तो ये आशा हो गई और एक और कोई होंगी, तो इस तरह से चीजें देखने को मिल रही। और ऐसा नहीं है कि इसमें और भी लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, 15 अगस्त को दिल्ली कार्यक्रम में बहुत से स्टेट से लोग इसी तरह सम्मानित किए जाएंगे और वो वहां पर जाएंगे, धीरे धीरे करके उनके लिए लेटर हाल ही में पहुंच जाएंगे। संगीता देवी गाजीपुर से हैं, उनके वहां से भी एक लेटर आया, DK पांडे DPO गाजीपुर, जिन्होंने 8 अगस्त को अपने यहां कार्यालय से एक लेटर निकाला। इस लेटर में उन्होंने कहा कि माँ गंगा का जलस्तर नियमित रूप से अत्यंत तेजी से वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय जो गाजीपुर के हैं, उन्होंने बाढ़ संबंधी बैठक 11:30 बजे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है, जिसमें निर्देश हैं कि तहसील स्तर पर जहां जहां बाढ़ चौकी बनाई गई हैं, उक्त चौकी के समस्त जो समीप में समस्त आंगनबाड़ी हैं और अपने गर्भवती धात्री हैं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनको विभागीय योजना से लाभान्वित करना तथा पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए पूरा खाद्यान्न जो कि जो है यहाँ पर SNP तथा हार्ट कोड इसका वितरण और अन्य सेवाएं प्रदान करेंगी तथा नियमित रूप से बाढ़ चौकी पर निगरानी टीम के साथ लगकर के कार्य करेंगी। तो यहां पर जो ये लेटर है आपने कल देखा था, बाढ़ से रिलेटेड आंगनबाड़ी को NDRF टीम का मान लीजिएगा हिस्सा बना दिया गया हो, क्योंकि बाढ़ वाली जो चौकियां बनाई गई वहां पर आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगा दी गई। अब ऐसे में बताया गया कि सभी अपनी सुपरवाइजर को जो है रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाते हुए आंगनबाड़ी की तैनाती, नाम और मोबाइल नंबर सहित लगाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकृत नहीं होगी। अब ड्यूटी पर आंगनबाड़ी वहां तैनात होंगी, कोई सुपरवाइजर CDPO या DPO नहीं। अब ऐसे में समस्या ये थी, क्या ये कार्यकर्ताएं, क्या इनको तैरना आता है या इनको किसी भी तरह की बाढ़ वाले क्षेत्रों में बचने के लिए कोई ढंग का ट्रेनिंग मिला हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बाढ़ वाले जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इनकी ड्यूटी लगना चौकियों में ये न्याय संगत नजर नहीं आता। कोई अच्छे लोग लगे होने चाहिए जो अगर कोई सामने कुछ समस्या स्वरूप कुछ खड़ी हो तो उसको जो है उसका सामना कर पाए। वहीं इस वीडियो को यहीं जो है आगे ले चलते हैं। विजय लक्ष्मी जी हैं सीतापुर से, इन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी, एक दुखद समाचार है, अत्यंत दुखद सूचना है। अलका रानी जी हैं जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। तो बहन अलका रानी की आत्मा की शांति के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना, आज वो हम सबके बीच में नहीं रही हैं। इनके अलावा भी कुछ जानकारियां हैं, आंगनबाड़ी बहन है प्रियमदा मिश्रा और जिनकी कुछ समस्या है, इन्होंने एक लेटर मुझे लिख करके भेजा। सुधांशु भैया नमस्ते,
सेवा में सबने निवेदन है कि हम प्रार्थी प्रियमदा मिश्रा का आधार में जन्म तिथि 1/1/1969 है। मेरी मार्कशीट में एक शायद 4 लिखा हो या 9 लिखा हो उन्होंने, क्योंकि राइटिंग का इशू नज़र आ रहा, 1966 है। तो भैया जी मैं पूछ रही हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है। देखो जो आपके मार्कशीट में है वही आपके आधार कार्ड में आपको करवानी होगी, दिक्कत कैसे नहीं होगी, आप खुद से सोचिए। मार्कशीट में 1966 डेट ऑफ बर्थ चढ़ी है और आधार में आपने 69 चढ़वाई है, तो आधार की तो आपकी गलत मानी जाएगी ना। आधार की मार्क जो है जन्म तिथि का आपको संशोधन कराना होगा, जो मार्कशीट में है वही आप उसमें रखें। और एक बार ये भी देख लें कि आपका जो नौकरी में जो वो लगा है उसको क्या कहते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा आपको, उसमें आपकी डेट जो है जन्म तिथि जो है वो कौन सी डली है, तो उसको एक बार देखें, मिलान कर लें। अगर मार्कशीट वाली ही आपके ज्वाइनिंग लेटर में है तो आधार कार्ड का आप संशोधन करा लो, उसको भी सही करा लो। ये चीज़ें हैं। इन्होंने कहा भैया जी मेरी नियुक्ति कुछ लिखा गया कि 2001 हो या जो भी हो, राइटिंग का फिर अगेन इनका इशू यही है। दो उसमें जो है परसिया फर्स्ट पर हुई थी, दूसरी कार्यकर्ता मेरी सहायिका हो गई तो हमें हटाकर अपने देवभरिया सर्वे क्षेत्र कर दी, और वहाँ हम कार्य करते थे तो जो देवरिया सर्वे 600 किलोमीटर आबादी थी वहाँ भी हटाकर पंचायत भवन हमें कर दिया गया। इसलिए भैया पूछना चाहती हूँ क्यों बार बार परेशान करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर कुछ लिखी गई। देखो इस वजह से आपको नहीं हटा दिया गया कि आपकी जन्मतिथि आधार में अलग है और मार्कशीट में अलग है। इस वजह से अगर कोई एक्शन होता तो उसको सुधारने के लिए विभाग एक्शन करवाता, ना कि यहाँ से वहाँ आपको इधर उधर किया जाता। आपका कोई पर्टिकुलर एक आंगनबाड़ी सेंटर नहीं होगा जिस वजह से शायद इधर उधर किया जा रहा हो, या आपका अपनी ग्राम सभा में फिर या तो फिर वार्ड में चयन ना हुआ हो इस वजह से इधर उधर हो रहा हो, तो कुछ ना कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आप नौकरी कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन संशोधन की बात आएगी। अभी जो भी ये चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आपको अपना जन्म तिथि आधार में सही करवाना होगा। देखो जो रियल है वो एक जगह होगा, अब 75 जगह अलग अलग चीज़ें हैं तो उसमें से कुछ तो गलत है ही, जो गलत है उनका संशोधन कराओ। अब क्या गलत है वो आप समझो। अब आप ये सोच लो कि 1969 आपकी डली है उसमें आधार कार्ड में, तो वो आपकी अब मार्कशीट में तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि मार्कशीट पहले थी, आधार कार्ड बाद में बने, तो पहले जो मार्कशीट में थी वही आपको आधार कार्ड में संशोधित करके करवानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है नौकरी में भी आपकी वही सेम हो। तो देख लीजिएगा जहाँ कम वो हो वहीं पर आप सुधरवा लो। इसमें अगर आप, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि वैसे हो जाए तो हमें फ़ायदा हो जाए, ज़्यादा साल नौकरी करने को मिल जाए, लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं है। आप साफ सुथरा काम करिएगा। अनीता जी संत कबीर नगर से हैं, इनके वहाँ पर एक ये समस्या आ रही, दरअसल वो अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर रही हैं, यूट्यूब प्ले स्टोर गूगल कहीं पर भी, तो वहाँ पर साइन इन करने में इनको ये समस्याएं आ रही हैं। दरअसल देखो ये कैसे होता है, इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। अब पासवर्ड चूंकि आपके पास सही होगा नहीं तो आप डालेंगे क्या और खुलेगा क्या, इसीलिए ये जो आपकी जीमेल आईडी है जो विभाग से फोनों में डल के अपने आप आई है उनका पासवर्ड किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पता है, तो इसीलिए वो आप इन चीज़ों को लॉगिन दोबारा नहीं कर पाते। अब आपने हटा दिया होगा या उसी में एक दूसरी आईडी को लॉगिन करने की किसी ने गलती की होगी, आपने की हो या आपके घर में बच्चों ने किसी ने की हो, इस वजह से आपके सामने ये समस्याएं आ रही। अन्यथा इनके साथ कोई छेड़खानी ही नहीं करता विभागीय फोन में जीमेल आईडी हटाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर से डल के आई है, ना पासवर्ड पता ना कुछ पता आपको। अब बहुत से लोग होंगे जो शायद इसका पता लगा ले, मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि संभव शायद वो भी ना हो, क्योंकि गूगल क्रोम है, ऐसे तमाम एप्लीकेशन है जो बाद में फोनों में आए हैं और वो वर्क अब जाकर के शायद कर रहे हो, अन्यथा कर नहीं रहे थे। तो देख लेना एक बार, अगर क्रोम में लॉगिन हो तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। और लॉगिन मेरा जहां तक मानना है कि नहीं ही होगा क्रोम में, क्योंकि वो पहले चल ही नहीं रहा था इन विभागीय फोनों में। तो क्रोम में जब आप क्रोम में जाएंगे तो 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट में जाएंगे तो साइड में, तो उसमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा क्रोम की सेटिंग का, उसमें जाएंगे फिर वहां पर मैनेज पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाएंगे तो आपकी अगर वहां पर यही विभागीय जीमेल दिखाई दे रही है तो उस पर टच करना, और फिर उसको जब टच करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहां से आप उसको हाइड होगा और उसको देख सकते हैं अपना ओपन करके। ये कुछ चीजें हैं, या हो सकता है उसका एक्सेस ना मिले, क्योंकि ये सरकारी फोन है, इनका सारा एक्सेस जो है गवर्नमेंट के पास खुद है, अपने आप फोन में आ पाते हैं, अपने आप चले जाते हैं, ये चीजें वहां से खूब चलती हैं। बाकी छेड़खानी हुई है इस वजह से दिक्कतें इनको हो रही हैं। शांति जी गाजीपुर से हैं, इनके वहां पर एक ये डीबग मोड टाइप से आता है अलर्ट, इसको आप जो है क्वाइट कर दिया करें। यहां पर आप देखिएगा
तो ये चला जाएगा, या बहुत से लोग प्रोसीड एनी वे कर देते हैं, लेकिन आप ऊपर वाला ऑप्शन कर देना ज्यादा सही रहेगा। सैल कुमारी जी गाजीपुर से हैं, इनके वहां पर ये THR लाभार्थी को टच करती हूं तो नो बैलेट लिखता है, भर नहीं पा रहा है, कैसे क्या करूं। दरअसल इनके वहां THR जब भर रही है गर्भवती महिलाओं को तो उसमें उनका जो है नो डाटा फाउंड लिख करके आ रहा, यानी इनके लाभार्थी वहां पर शो नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है पोस्टर ट्रैकर की कोई एरर की वजह से हो, या आपका पोस्टर ट्रैकर फिर अपडेट ना हो, तो एक बार अपना अपडेट चेक कर लीजिए, उसके बाद उसको जो है लॉगिन कीजिए। अर्सिया खातून कन्नौज से है, कन्नौज में यहां पर एक लेटर आया था उपजिलाधिकारी का, बात करें यहां पर इस लेटर को बाल विकास पुरस्कार अधिकारी नगर क्षेत्र कन्नौज को भी भेजा गया था। मैटर क्या है वो जरा समझ लो, बताया गया एक ही परिवार के मतदाताओं को अलग अलग बूथों पर या अलग अलग केंद्र पर वोट बनाए जाने एवं बीएलओ बूथ प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता और मतदाता भ्रमित रहता है और अपने वोट को खोजने के लिए काफी परेशान रहता है, इसीलिए कुछ यहां पर कार्यक्रम चलने वाले हैं और कार्यक्रम चलेंगे पुनरीक्षण कार्यक्रम टाइप से, तो बीएलओ सुपरवाइजर इनका कुछ ड्यूटी व्यूटी भी लगाया गया है, इस बारे में ये लेटर आया, तो ये बीएलओ से रिलेटेड है, निर्वाचन कार्यों से तो ज्यादा जरूरी नहीं है आज, यानी वो अपने लिए जरूरी नहीं है ये कह सकते हैं, क्योंकि जो बीएलओ है बस उनके लिए ही काम का है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं।